अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिर्ज़ाद वीलॉग। आज की वीडियो में जो है हम लोग एक यूनिक रिकॉर्ड को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि एक पाकिस्तानी लेजेंड का एक यूनिक रिकॉर्ड है, जो मेरा ख्याल है आप में से बहुत सारे लोगों को जिस चीज़ का इल्म नहीं होगा। तो जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स की जो है ना वो बात की जाती है कि जी फलाने प्लेयर का ये रिकॉर्ड है, इस प्लेयर ने ये रिकॉर्ड किया है, लेकिन हमें अपने जो लेजेंड्स हैं उनके रिकॉर्ड्स के बारे में इतना नहीं पता होता। तो आज मैं आपको जिस रिकॉर्ड के बारे में बता रहा हूँ वो ये है कि जो मोस्ट विकेट्स जो ली हैं किसी एज, एक ख़ास एज से पहले, जैसे कि अगर मैं मिसाल दूँ कि किस बॉलर ने, अब जैसे शाहीन अफरीदी हैं, तो उन्होंने 21 साल या 22 साल से पहले टोटल इंटरनेशनल में कितनी विकेट्स ली हैं। तो मेरा ख्याल है आप लोगों में से बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि पाकिस्तान के एक लेजेंड बॉलर हैं जिनका रिकॉर्ड है कि उन्होंने 10 साल मसलसल, मतलब आप 21 से लेकर 30 साल तक जो है अगर आप देखें तो उन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा विकेट्स ली हैं। अभी रिसेंटली जो है उनका जो रिकॉर्ड है वो अफगानिस्तान के जो बॉलर हैं राशिद खान, उन्होंने तोड़ा, लेकिन उन्होंने सिर्फ अभी तक सिर्फ एक जो एज है उसका रिकॉर्ड तोड़ा है, और वो है 21 ईयर्स, ठीक है। तो अभी आपको मैं अगर दिखाऊं तो वो ये है, जिसमें आप देख सकते हैं कि राशिद खान ने 21 ईयर्स की एज में 230 विकेट्स ली हैं, और उसके बाद आप देखें तमाम जो एज लिमिट है फ्रॉम 22 टू 30, उसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारे लेजेंड बॉलर हैं वकार यूनस, उनका जो है नंबर सबसे ऊपर है, उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेटें ली हैं, ठीक है। जैसा कि उन्होंने 22 ईयर्स की एज तक 249 विकेट्स ली हैं, और 23 ईयर्स की एज तक उन्होंने 345 विकेट्स ली हैं, ऑलमोस्ट 100 विकेट्स उन्होंने 1 ईयर में, एक साल में उन्होंने ली। फिर इसी तरह 24 ईयर की एज में उन्होंने 372 विकेट्स ली हैं, 25 में 464, 26 में 504, 27 में 548 और 28 में 564। ये मेरे ख्याल बीच में वो कुछ साल हैं जिसमें वकार यूनुस को बहुत कम चांसेस दिए गए, ले अगर उनको रेगुलर चांस मिलते तो वो इससे भी ज़्यादा विकटें ले सकते थे। फिर 29 ईयर्स में उन्होंने 624 और जब 30 ईयर्स के हुए तो उन्होंने 689। तो ये उनके रिकॉर्ड है जो उन्होंने मुसलसल 10 साल, मतलब 10 साल तक उनसे अभी भी 22 से लेकर 30 साल तक दुनिया में कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिसने इतनी विकटें ली हों। तो हम लोग अपने लेजेंड्स की कदर नहीं करते हैं, और हम जो है वो दूसरे बॉलर्स की बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हैं, जैसा कि लोग करते हैं ग्लेन मैकग्रॉ की बहुत प्रेज़ करते हैं कि जी वो बहुत एक्यूरेट बॉलर था और उसने बहुत विकेट्स लिए हैं, लेकिन जो हमारे अपने लेजेंड हैं जैसे वसीम अकरम हो गए, वकार यूनस हो गए, शुएब अख्तर हो गए, हम इनकी उस तरह से कदर नहीं करते जिस तरह से करनी चाहिए, और हम इन पे डिफरेंट किस्म के ब्लेम्स लगाते रहते हैं कि ये मैच फिक्सिंग करते रहे हैं और ये मतलब सही नहीं पाकिस्तान के लिए इन्होंने परफॉर्म किया। तो ये रिकॉर्ड आपके सामने है वकार यूनस का, जो कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए ही परफॉर्मेंस दी है और अभी तक इनका रिकॉर्ड कायम है। दुनिया में कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो इन्होंने इतनी विकेटें ली हों इतनी कम उम्र में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें अगली वीडियोस के। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।